हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NIS की एक अपडेट को लेकर, जो NIS ने आपने नोटिस भेजा है उस नोटिस को लेकर। तो यहाँ पे हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट में आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो देख सकते नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग रीजनल सेंटर जयपुर से यह अपडेट निकल कर आया है। अगर तारीख की बात करें तो तारीख भी देख सकते हैं 12/6/2019 यानी जून महीने की 12 तारीख को ही अपडेट दिया गया है। तो विषय की बात करें तो देख सकते हैं DLL परीक्षा परिणाम में TMA एवं प्रायोगिक विषय के अंकों के जुड़वाने के संबंध में। तो यहाँ पर खबर जो दिया गया है, आप सभी से निवेदन है कि DLL की चतुर्थ परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुका है। इस परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों को अपने विषय कोड 501 से 509 510 तक में TMA के अंकों के स्थान पर AB या न्यूनतम उत्तीर्णांक न होने के कारण परेशानी महसूस हो रही है, कृपया इसका निम्न समाधान है। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं आपकी जो एब्सेंट या आपकी जो SOCT या यहाँ पे सिर्फ एब्सेंट वाली ही बात की गई होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो 501 से लेकर 510 तक जितनी सारे सब्जेक्ट में आपका AB लगा हुआ है उसके कारण यहाँ पे बता दिया गया है और आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं भी यहाँ पे भी बता दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपने विषय कोड 501 से 509 510 तक के TMA में अंक जुड़वाना या संशोधन कराना चाहते हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने उस विषय की तीनों असाइनमेंट के साथ 1500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट सचिव NIOS जयपुर के देह के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाकर अपने प्रार्थना पत्र के साथ जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर जमा करा सकते हैं। ध्यान रहे 1500 रुपीज़ का DD प्रत्येक विषय के अनुसार लगेगा। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसमें बताया गया है कि आपको 501 से 509 510 के TMA के अगर मार्क जुड़वाना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सचिव NIOS जयपुर को देना होगा। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर जयपुर से जिन लोग बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए ये रीजनल सेंटर है। तो आपको और एक बात बता देना ज़रूरी है कि जिन लोग हमें पूछ रहे हैं कि सर हम किस नाम से DD को भेजे या डिमांड ड्राफ्ट को भेजे, तो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप अपने रीजनल सेंटर वाले ही एड्रेस, जो अगर आपका रीजनल सेंटर बिहार है और अगर आपका रीजनल सेंटर छत्तीसगढ़ है तो उस रीजनल सेंटर की NIS की जो सचिव है उनके पास ही पहुंचाने की कोशिश करें। तो उनके नाम से 1500 रुपीज़ की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाकर अपने प्रार्थना पत्र के साथ जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर जमा करा सकते हैं। ध्यान रहे 1500 रुपीज़ का DD प्रत्येक विषय के अनुसार लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1500 रुपया तो अगर एक सब्जेक्ट में आप जुड़वाना चाहते हैं मार्क एब्सेंट कराना चाहते हैं, आपको ये 1500 रुपया देना होगा। ये सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आपको इसके लिए कुछ लायबिलिटी नहीं है कि आप 1500 रुपया दें या आप ना दें, इसके लिए हमें कुछ जिम्मेदारी नहीं है या हम उसके लिए कुछ लायबिलिटी नहीं है। आप अपने कोऑर्डिनेटर सर से पूछिए, अगर कुछ सचमुच है तो वो इन्फॉर्मेशन, तो आप उसके बाद 1500 रुपया डिमांड ड्राफ्ट पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमें आप सभी के साथ हेल्प करना है, कि आप सभी को किसी परेशानी में मुब्तला करना नहीं है, तो इसलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन साथ भी बता रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है, इससे अभ्यर्थी जो आपने परीक्षा परिणाम में विषय कोड 511, 512, 513, 514 यानी 511, 512, 513, 514 के प्रायोगिक विषय में अंक जुड़वाना या संशोधन कराना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी निम्न दस्तावेज जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो टॉपिक दिया गया है वह रहा 511 से 514 के बीच जितने सारे प्रायोगिक विषय में अंक जुड़वाना या संशोधन कराना चाहते हैं तो उनको निम्न दस्तावेज जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा सकते हैं। बात फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ये सब जयपुर रीजनल सेंटर जिनकी जयपुर है उनकी इन्फॉर्मेशन है। जिन सारे रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं उन सभी की आप एक बार डायरेक्ट समझ लीजिए, आपको एक बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई शिक्षक जयपुर के नाम से भी भेज देंगे। अगर आप जिस स्टेट से हो, अगर आप मध्य प्रदेश से हो, अगर आप आंध्र से हो, अगर आप तमिलनाडु से हो, जिन सारे स्टेट से हो, या अगर आप गुजरात से हो, तो आपके लिए क्या करना होगा, अपना रीजनल सेंटर ढूंढना होगा। आपका रीजनल सेंटर कहाँ है उसको पहले जान लेना होगा, उसके बाद हो सके तो 1500 रुपया देना होगा। तो उसके में बताया गया है कि अध्ययन केंद्र के समन्वयक का अग्रेसन पत्र, कवरिंग लेटर,
उसके बाद अध्ययन केंद्रों द्वारा अभ्यर्थी का उपस्थिति प्रमाण पत्र जिस विषय में अंक पाना चाहता है यह प्रमाण पत्र वह होगा जैसे 511 के लिए SPA, 512 के लिए प्रथम वर्ष WBA का, 513 के लिए द्वितीय वर्ष का WBA, 514 के लिए PT के कक्षाओं में अभ्यर्थी न उपस्थिति न अपनी उपस्थिति दी थी तो ऐसा होगा। उसके बाद गह नंबर पे जो दिया गया है अपने मूल फाइल शीट जिसको अभ्यर्थी ने केंद्र पर जमा करवाई थी उसको सबमिट करना होगा, यह सब आपको जरिए देना होगा। उसके बाद 1500 रुपया डिमांड ड्राफ्ट प्रत्येक विषय के अनुसार। तो आपने शायद पहले ही बात को समझ लिया होगा, अगर आप एक सब्जेक्ट में डिमांड ड्राफ्ट कराना चाहते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1500 रुपया भरना होगा। इसकी अंतिम तिथि 20 जून 2019 तक है। इस दिनांक तक DMA एवं प्रायोगिक विषयों की फाइलें एवं DD जमा किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद DD एवं फाइलें स्वीकार नहीं की जाए होगी। धन्यवाद। बवदीय KL गुप्ता, क्षेत्रीय निदेशक। तो आपने इन सारे पॉइंट को शायद देख लिया होगा, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि आप इन सारे कामों को करने से पहले अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेटर सार आपको इन्फॉर्मेशन दे के आप 1500 रुपये दे तो अपने रीजनल सेंटर को पहले जान ले। रीजनल सेंटर जिस स्टेट से हो गए सभी स्टेट के लिए सेपरेट हो गए, और यहाँ पे जयपुर जो है जयपुर के लिए रीजनल सेंटर जयपुर है। तो जयपुर से नोटिस आया था तो हमने जयपुर वाले हैं की बात की है। अगर आप बिहार से है तो बिहार की रीजनल सेंटर ढूंढने की कोशिश करें। जिन सारे स्टेट से हो उन सारे स्टेट की रीजनल सेंटर ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट लेना होगा। आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट मंगवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म मंगवा सकते हैं। उसके बाद फॉर्म लेकर उससे फिलअप करें। फिलअप करने के बाद आपके बैंक के जितने सारे आप अकाउंटेंट के पास जाकर उनसे पूछे कि किस आप डिमांड ड्राफ्ट भरना चाहते हैं, तो आपको अकाउंटेंट उसको लेगा, आपसे पैसा लेगा, पैसा लेकर आपको ड्राफ्ट रिटर्न कर देगा, उस ड्राफ्ट को आप भर सकते हैं। तो ऐसा ही आपको ड्राफ्ट भरना है, आप उसके लिए आपको कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो, आप तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सभी शिक्षकों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी में मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।